नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लेटसी चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं अगेन प्रॉब्लम्स धड़ाधड़ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम करने वाले टाइप टू का ही एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू, ओके, अगेन बेस्ड ऑन कंपोजिट बार्स, यानी कि कनेक्टेड है ये थर्मल स्ट्रेस से। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड चकन मत भूलिएगा, तक मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा और पर लेके आता रहा हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखते हैं आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी कि जो हमारी प्लेलिस्ट का नाम है दैट इज योर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के तमाम टॉपिक्स जो आए हुए पिछले यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक और है कि आई थिंक काफी सारे कमेंट्स आते हैं रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट या फिर फ्लूइड मशीन्स के सब्जेक्ट से कि सर आपकी वजह से हमारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो प्लीज दिल खोल के डोनेट कीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे मनी आप डोनेट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक हमारा थर्मल स्ट्रेसेस प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट बार्स। कंपोजिट बार्स मींस देखिए दो अलग अलग बार, एक है हमारा ब्रास का, एक है एल्युमिनियम, ये है मेटल और ये है हमारा क्या बोलते हैं अलॉय। वैसे तो अलॉय कितने और कौन होता, स्टील भी एक अलॉय है, देन योर ब्रॉन्ज भी एक अलॉय है, ठीक है। तो कंपोजिट बार्स दो अलग अलग बार्स आपस में जॉइंट हैं और ये फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें निकालने वाले हैं हमारी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अगेन कनेक्टेड है कि हमें थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन निकालना है। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे होंगे हमारे टाइप वन के, जिसमें हमने एक सिंगल बार लिया था, आइदर वो अलॉय था या फिर मेटल था या फिर एल्युमिनियम का या फिर ब्रास का हो सकता है या फिर स्टील का हो सकता है या फिर क्या बोल सकते हैं ब्रास या ब्रॉन्ज का हो सकता है। तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा जो भी हमारे पास गिवन डेटा है, ठीक है, और साथ में बनाएंगे डायग्राम। आपको मालूम है क्योंकि कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो एटलीस्ट गिवन डेटा लिखिए, साथ में बनाइए डायग्राम। तो एटलीस्ट अगर 5 मार्क्स का तो एटलीस्ट यू विल गेट 1 मार्क्स, 1 मार्क्स तो मिलेगा, नहीं तो अगर 10 मार्क्स का एटलीस्ट यू विल गेट 2 मार्क्स। बट मेरी कोशिश है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट करिए, ओके, और मैंने ये वीडियो सेशंस रखे इसलिए ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं, ओके। तो याद रखिएगा ये टाइप टू का क्वेश्चन नंबर टू है, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ऑलरेडी टाइप वन में ले चुका हूं, बट ये टाइप टू में एक अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इससे पहले क्या हो रहा था, हम हीट कर रहे थे मटीरियल को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है बट इसे अब ठंडा कर रहे हैं, तो इस दौरान कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है वो हमें निकालना है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपोजिट बार ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्रॉन्ज इज अटैच्ड, एक बार वापस पढ़ते हैं, कंपोजिट बार ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्रास, ये ब्रास है, इज अटैच्ड टू द सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर। एक कंपोजिट बार है, कंपोजिट मतलब ये जो बार कंप्लीट बार है ये दो हिस्सों से बना हुआ है, एक ब्रास का है आधा पार्ट जो यानी कि 1 पार्ट है और दूसरा पार्ट 2 है जो एल्युमिनियम से बना हुआ है, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा बार है, ठीक है, जो दो हिस्सों से बना हुआ है, ये दो सपोर्ट के बीच में फिक्स है, यहां मान लीजिए कि दो दीवार है, ठीक है, ओके, जो जैसा क्या जैसा आप डायग्राम में दिख रहे हैं शोन इन फिगर, ओके। आगे बढ़ते हैं, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रास इज 500 mm square। आप देख रहे हैं पहला वाला जो रॉड है हमारा यानी कि बार है वो ब्रास का है, ठीक है, जो अलॉय है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सपोज ये रॉड है तो अगर आप साइड से देखेंगे तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब मान लीजिए सर्कुलर बार होगा, ठीक है, तो ये जिसको मैंने शेड किया वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो काम करते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रास, तो मैं यहां पे ऐसे भी लिखता हूं, ब्रास कितना दिया हुआ है, दैट इज योर 500 mm square। याद रखिएगा ज्यादातर कैलकुलेशन हम एरिया की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एमएम स्क्वायर में ही करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं, मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वो कंपोनेंट बहुत छोटे होते हैं, तो ज्यादातर एरिया एमएम स्क्वायर में निकालते हैं या फिर हम एमएम में लेंथ या फिर डायमीटर या विड्थ या लंबाई हाइट सब एमएम में निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, एंड दैट ऑफ एल्युमिनियम बार इज 750 mm square, ओके। ये जो दूसरा बार है ये हमारा एल्युमिनियम का है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा दैट इज योर एल्युमिनियम, दैट इज दे हैव रिटन कितना बताया 750 mm square, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनिशियली द सिस्टम इज स्ट्रेस फ्री, इनिशियली ये रूम टेम्परेचर पर था और इस दौरान इसमें कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं हो रही है, ना ही लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है ना ही लंबाई में, क्या बोलते हैं, वैसे भी कहां बढ़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स है ना,
अभी देखिए ये जो रॉड है आपका दो सपोर्ट के बीच में फिक्स है, अगर आप इसे गर्म भी करोगे तो रॉड की लंबाई तो बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है, और ना ही ये छोटी हो सकती है क्योंकि ये तो फिक्स है। ओके, तो इनिशियली जब ये रूम टेम्परेचर पर था तो ये जो सिस्टम है यानी कि जो रॉड है ये पूरा स्ट्रेस फ्री था, यानी कि अंदर कोई स्ट्रेस पैदा नहीं हो रहा। स्ट्रेस क्या हो सकता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स बाय 20 डिग्री केल्विन, फाइन। अब ये जो पूरा रॉड है जो वन और टू रॉड से मिलके बना है यानी कि ब्रास और एल्युमिनियम, बोल रहा है कि अगर जो टेम्परेचर है इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे सिस्टम का, गिर जाता है 20 डिग्री केल्विन से, तो यानी कि साफ साफ दिया हुआ है कि इस कॉम्बिनेशन का, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन किसका, एक ब्रास और एल्युमिनियम का जो रॉड है, ठीक है, ये एक रूम टेम्परेचर पे हुआ है इनिशियली, वो रूम टेम्परेचर दिया नहीं हुआ है। ओके, अब बोल रहा है कि वो रूम टेम्परेचर से 20 डिग्री केल्विन नीचे गिर जाता है, क्लियर हो गया। ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली डेल्टा टी दिया हुआ है, जैसे 20 डिग्री केल्विन, हो गया क्लियर। ओके, अब पहला क्या बोला है, फर्स्ट स्ट्रेस इन ईच बार, हमें स्ट्रेस ढूंढना है। अभी कौन सा, ये थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर से कनेक्शन है इसका। टेम्परेचर यानी कि जो स्ट्रेस होगा वो हर एक बार में कितना होगा, अगर सपोर्ट डू नॉट यील्ड, जो सपोर्ट है यानी कि जो दीवारें हैं अगर फिक्स्ड ही रहती हैं तो कितना आपका थर्मल स्ट्रेस होगा दोनों बार में, यानी कि ब्रास में भी एल्युमिनियम में। तो यहां पर एक काम करता हूं, दिस इज सिग्मा कर देता हूं, सिग्मा सिंबल होता है स्ट्रेस का, टी होता है थर्मल स्ट्रेस का, यानी कि सिग्मा टी। ओके, अब हमें ब्रास का भी ढूंढना है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन मार्क। ओके, और दूसरा सिग्मा टी में एल्युमिनियम का भी कर देता हूं। ओके, एल्युमिनियम का भी ढूंढना है, मगर केस, ये केस वन में आ जाएगा, ठीक है, ये कौन सा केस है, दैट इज योर केस वन, जब दोनों सपोर्ट फिक्स्ड रहती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, सपोर्ट्स फिक्स्ड, सपोर्ट्स आर फिक्स्ड, क्लियर हो गया, सपोर्ट्स आर फिक्स्ड, हो गया ये क्लियर। ओके, यानी कि सपोर्ट यील्ड नहीं होती, मतलब ये जो सपोर्ट है ये सरकती नहीं है दोनों सपोर्ट। ओके, अब एक दूसरा केस भी देखो, यहां पे लिखा स्ट्रेस इन ईच बार इन ईच इफ द राइट सपोर्ट यील्ड्स बाय 0.1 mm, ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं केस टू, याद रखिएगा। ओके, वो बोल रहा है कि तब क्या होगा, देखिए वापस लिखता हूं, ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस, कब, जब हमारा सपोर्ट क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट, ये जो राइट वाला सपोर्ट है, देखिए लेफ्ट सपोर्ट है, ये लेफ्ट दीवार है, ये राइट दीवार है। ओके, राइट वाला सपोर्ट हमारा 0.1 mm से सरक जाता है, ठीक है, 0.1 mm से सरक जाता है, मतलब ये जो दीवार है ये थोड़ी सरक जाएगी, तो ये हो जाएगा वापिस ब्रास के लिए मुझे ढूंढना है कब, जब सपोर्ट यील्ड हो जाती है, तो अगेन क्वेश्चन मार्क, और वैसे ही मेरे को यहां पर थर्मल स्ट्रेस ढूंढना है एल्युमिनियम के लिए, अगेन क्वेश्चन मार्क। तो ये केस टू क्या है, वेन सपोर्ट यील्ड, वेन सपोर्ट, देखिएगा ध्यान से, वेन सपोर्ट यील्ड बाय 0.1 mm, क्लियर हो गया। ओके, अब कुछ वैल्यूज दी हुई है वो मैं मिटाऊंगा, ठीक है, चलिए तो ये मैं कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, लगभग ये सारी वैल्यूज तो हमने लिखी ली है, ठीक है, ये जब ये यील्ड नहीं होता और ये जब यील्ड हो जाता है तो इतना डेटा मैं मिटा देता हूं, क्लियर। ओके, चलिए अब जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, और ये जो डेटा जब तक हम यूज नहीं करते तब तक मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो क्या बोलते हैं, सबसे पहले केस पे आ जाते हैं, ठीक है, केस वन क्या है, जब जो सपोर्ट है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो ये बढ़ेगा नहीं, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो भी इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब यही डायग्राम है जरा यहां पे बना देता हूं, जल्दी से देखिएगा। ओके, ठीक है। ओके, अब ये है हमारा बड़ा रॉड, ओके, ये हमारा वन और ये है टू, ये है हमारा ब्रास का और ये है हमारा एल्युमिनियम का। ओके, अब आपको मालूम है कि इस रॉड को, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड को, यानी कि जो ये जो टोटल रॉड बना है ब्रास और एल्युमिनियम का, इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए जो दीवार खुद से फोर्स लगाएगी वो इतना लगाएगी, क्या लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, दैट इज एफ, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, दूसरी बात, अब आपको मालूम है कि टेम्परेचर गिराया जा रहा है, टेम्परेचर गिराया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये अंदर की तरफ सिकुड़ने लगेगा, अगर टेम्परेचर गिरा रहे हैं तो इसका ये जो टोटल लेंथ है ये सिकुड़ने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, तो इस सिकुड़न को, ये जो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस सिकुड़न को के अगेंस्ट एक फोर्स काम करती है, वो होती है स्ट्रेस, ठीक है, जो इसको अंदर से सिकुड़ने को रोकेगी, ठीक है, तो ये बाहर काम करेगी, ये हो गई स्ट्रेस की डायरेक्शन, क्लियर हो गया। तो आप देखिए, आपने देखा है कि जब भी कोई फोर्स बाहर की तरफ काम करती है तो अंदर वाली जो स्ट्रेस है, देखिए समझ में आ रहा है, देखिए ये जो फोर्स है ये तो दीवार द्वारा लगाई जा रही है एफ, जिसकी वैल्यू है। ओके, अब आपको मालूम है कि टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होगा, सिकुड़न होगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो एरोज बता रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए अंदर से जो स्ट्रेस पैदा होगी वो कौन सी होगी, बाहर की तरफ होगी,
क्लियर हो गया, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, एक एक चीज होती है जो इसको सिकुड़वाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, बट इसको रोकने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो यूनिट एरिया पे एक्ट करती, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक्ट करती है, तो वो इसके उल्टे डायरेक्शन में होगी। दैट इज, तो यहां पर जो स्ट्रेस पैदा होने वाला है, दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि जब भी फोर्स बाहर की तरफ लगती है किसी भी रॉड के ऊपर, तो वो टेंसाइल फोर्स होती है, बट यहां पर जो स्ट्रेस का नेचर है वो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अंदर पैदा होने वाला जो स्ट्रेस है वो दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये जस्ट बताने के लिए था। क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब आपने देखा, अब आपको मालूम है वैसे भी हमारा जो रॉड है ये तो फिक्स है, तो ना ही इसमें कोई चेंज ऑफ लेंथ आने वाला है। ओके, तो इस रॉड, क्योंकि समझ में आ रहा है, ये जो रॉड फिक्स होने की वजह से कितनी लंबाई को हमने रोका है बढ़ने से, वो कैसे निकालते हैं। अब आपको मालूम है द चेंज इन लेंथ ऑफ एनी रॉड, कोई भी रॉड अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का होता है एल अल्फा टी। क्या हो गया? एल अल्फा टी। और इसी डेल एल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं पे बहुत बार आपने देखा होगा इससे पहले, इनिशियली जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, दिस इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये सिंबल है चेंज इन लेंथ का, दिस इज ऑल्सो चेंज इन लेंथ। बट आपको मालूम है कि जब भी हम यानी कि हीट करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हम उसे ठंडा करते हैं, और अगर आपका रॉड दो क्या बोलते हैं सपोर्ट के बीच में फिक्स है, तो जो भी लंबाई में बढ़ोतरी होती है वो नहीं होती। क्लियर हो गया? तो हमने कितनी लेंथ को प्रिवेंट किया है, तो सो टोटल लेंथ प्रिवेंटेड। क्यों लेंथ को हम प्रिवेंट करें, यानी कि जो भी टोटल चेंज आया है लेंथ में, देखिए ये ओरिजिनल लेंथ ही मेंटेन रहने वाली है, बट हमने कितनी बड़ी हुई लेंथ को रोका है, किस वजह से रोका है, इस रॉड से, या रॉड से नहीं सॉरी, ये इस सपोर्ट से। क्लियर हो गया? ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल लेंथ प्रिवेंटेड। ठीक है, प्रिवेंटेड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रास के लिए। अब आपको मालूम है जो चेंज इन लेंथ आया है, एक्चुअली में ये आया नहीं है, हमने कितनी लंबाई को रोका है बढ़ने से, किस केस में, ब्रास के केस में, यानी कि इस केस में। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, टोटल लेंथ प्रिवेंटेड इज इक्वल टू, ओके अब ये रॉड वन है, तो दिस इज एल वन अल्फा वन डेल्टा टी वन, याद रखिएगा दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे डेल्टा टी लिखना चाहिए मेरे को। ठीक है, हो गया ये? ओके, ये हो गया ब्रास के लिए। अब मैं एल्युमिनियम के लिए लिख देता हूं, दिस इज एल टू अल्फा टू डेल्टा टी टू, कोई कंफ्यूजन है? ओके, अब यही चीज देखिए, जो टोटल लेंथ प्रिवेंटेड है एल अल्फा टी, एक्चुअली में इसके बराबर है, क्योंकि ये भी डेल एल के बराबर है, ये भी डेल एल के बराबर है। मैं यही चीज बता रहा हूं कि कोई भी रॉड में बढ़ोतरी होती है, आइदर खींचने की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, तो वो इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, बट आपको मालूम है कि जो रॉड है ये दो सपोर्ट के बीच में फिक्स है, तो इसमें कोई भी लंबाई में चेंज नहीं आएगा, ना ही ये रॉड आपका सिकुड़ेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ही ये बढ़ेगा। तो हमने इस रॉड में कितनी क्या बोलते हैं, कितनी चेंज इन लेंथ को रोका है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ब्रास में और एक एल्युमिनियम में। तो हमें क्या करना है, प्लस ही करना है ना, हमने इतनी लंबाई को बढ़ने से रोका है, या फिर हम बोल सकते हैं सिकुड़ने से रोका है, वैसे भी कॉन्ट्रैक्शन का केस है तो सिकुड़ने से रोका है, मेरा ये मतलब है। ठीक है, अब यही चीज, ये देखिए एल वन अल्फा वन टी वन डेल्टा टी वन, ये किसके बराबर है, देखिए यहां पर डेल्टा एल जो है एल अल्फा टी के भी बराबर है, और वही डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए ई के भी बराबर है, तो यही चीज मैं यहां पर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा, देखिए यही चीज, ये जो L1 अल्फा 1 डेल्टा T1, ये किसके बराबर है, F1 L1 अपॉन A1 E1। क्लियर हो गया? ओके, प्लस ये बीच में वही प्लस का साइन है। क्लियर हो गया? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, L2 अल्फा 2 डेल्टा T2, ये किसके बराबर है, अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है, यानी कि 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों बराबर लिखे जा सकते हैं, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए L अल्फा T इक्वल टू F L E upon E, okay. ये एक रॉड के लिए, बट हमारा रॉड यहां पर जो टोटल रॉड है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड है, यानी कि दो रॉड का कॉम्बिनेशन है, तो ठीक है, ये पहली चीज मैंने इस रॉड के लिए लिख दी, दूसरी चीज मैंने इस रॉड के लिए लिख दी, वही चीज ये जो L अल्फा डेल्टा T1 है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बीच में प्लस का साइन है। ओके, अब इसको कैसे लिखूंगा, वापिस वही वही लिखूंगा, एफ टू एल टू अपॉन ए टू ई टू। क्लियर हो गया? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है एक्चुअली, है ना, मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, टोटल, देखिएगा ध्यान से, टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, कितनी लेंथ हमने बढ़ने से रोक दी है, बट ये केसेस कॉन्ट्रैक्शन का, या फिर बोल सकते हैं कितनी लेंथ हमने क्या बोलते हैं सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्शन से रोक दिए, वो कैसे लिख सकते हैं आप, सिंपल
आप लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, बट क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैं ये लिख देता हूं एल एल वन, इस चीज से आपको काफी क्लियर हो जाएगा एल टू अल्फा टू डेल्टा टी टू, ओके इक्वल टू वही चीज मैं इसके लिए भी लिख देता हूं क्योंकि एफ वन एल वन ओके ए वन ई वन ठीक है प्लस एफ टू एल टू ए टू E2, ओके okay. अब इस पर जो फोर्स लग रही है दोनों बराबर है तो ये जो F1 F2 नहीं आएगा, ये दोनों केस में F1 ही आएगा, ओके क्लियर। तो यहां पर भी मैं F1 F2 हटा देता हूं, तो ये चीज मैंने ऐसे लिखी थी, ओके okay? ओके okay, अब मैं क्या करूंगा सिंपली वैल्यूज पुट कर देता हूं, ठीक है ओके सो एक काम करता हूं F दोनों में कॉमन है, F कॉमन निकाल लेता हूं, ओके okay, L1 L1 क्या है हमारा L1 कितना दिया हुआ है, L1 यहां पे दिया हुआ है 500 mm, ठीक है ओके okay, अब मैं सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा A1 A1 कितना दिया हुआ है एरिया एरिया A1 यानी कि ब्रास है, ब्रास का एरिया कितना होता है 500 mm square, ओके E1 E क्या है हमारा ब्रास है, ब्रास के लिए E की वैल्यू 90 GPa दी हुई, याद रखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 90 किलो न्यूटन पर mm square, मैंने बहुत बार हमारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा किया है तो याद रखिएगा 90 कितना किलो न्यूटन पर mm square, तो यहां पे 90 लिखिए किलो को एब्जॉर्ब करा लीजिए मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके ओके हो गया प्लस अब यहां पे क्या F तो हमने कॉमन निकाल दिया L2 क्या एल्युमिनियम so that is your 750 okay area A2 कितना है that is your A2 area किधर गया हमारा हाँ A2 क्या aluminium है तो that is your 750 okay into okay E की value formula में E2 की value है E2 कौन है हमारा aluminium है okay aluminium के लिए 70 GPa ठीक है तो this is 70 मैंने already बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं 70 into 1000 newton per mm square यहाँ पर हमने K लिखा था K मतलब 1000 मैंने यहाँ पे actual value लिख दी okay multiply by 1000 हो गया सो ये मैंने क्लोज कर दिया इक्वल टू अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे ठीक है ये तो क्लियर हो गया ये तो मैंने मिटा देता हूं ठीक है सो यहां पर क्या हो गया L1 कितना है दैट इज योर 500 ओके इनटू अल्फा वन की वैल्यू कितनी अल्फा वन यानी कि ब्रास है दैट इज योर 20 इंटू 10^-6 ओके डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री केल्विन ओके प्लस L2 की वैल्यू कितनी है दैट इज योर 750 ओके then your alpha 2 यानी कि aluminium है this is your 25 × 10^-6 okay next your delta t ये है delta t2 तो क्योंकि ये combination में है दोनों भी rod ठीक है तो जो change of temperature इसमें आया वही aluminium में भी आएगा so therefore this is 20 okay bracket close कर दिया simply आपको क्या करना है f की value find out करनी है पहले आप इसे plus कर लीजिए let me check कितना आया ये This is coming out to be, ये देखिए राइट हैंड साइड में जो आया है दिस इज 0.325 क्लियर हो गया ओके अपॉन अगर आप इसे दोनों को प्लस करेंगे ओके तो ये आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी देखिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप कैलकुलेटर से और ये कहां पर आ जाएगा अगर मुझे एफ की वैल्यू चाहिए तो ये तो नीचे आएगा ना सारा का सारा तो ये आ जाएगा दिस इज कमिंग आउट टू बी मैं लिख देता हूं वैल्यू 1.5873 × 10^-5 और याद रखिएगा ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो न्यूटन में ही आने वाली है ओके तो दिस इज कमिंग आउट टू बी फोर्स जो आ रही है 20475 न्यूटन क्लियर हो गया आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ओके आप देखिए इसका यूज हमें आने वाला है ठीक है आगे क्लियर हो गया ये आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी ठीक है अब मैं काम करूंगा मिटाऊंगा नहीं अब यहां पे लिख देता हूं लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन या अब देखिए हमें क्या बोला था हमें स्ट्रेस बोला गया था ब्रास और इसमें क्या थर्मल स्ट्रेस बोला गया था ब्रास में और एल्युमिनियम में जब सपोर्ट फिक्स थे आपके ठीक है तो यहां पे सबसे पहले मैं ब्रास के लिए थर्मल स्ट्रेस निकालता हूं ठीक है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ओके तो देखिए ध्यान से देखिए फोर्स कितनी है 20475 ओके एरिया ब्रास का कितना है ब्रास का एरिया कितना 500 तो दैट इज इक्वल टू कितना रहा है ये आ रहा है 40.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया ओके वही चीज अब मैं निकालूंगा थर्मल स्ट्रेस किसके लिए एल्युमिनियम के लिए फोर्स अपॉन एरिया फोर्स कितनी है फोर्स तो वही रहेगी 20475 जो यहां पर एक्ट कर रही है यहां पर ओके अपॉन एरिया एरिया कितना है दैट इज योर 750 mm स्क्वायर तो ये जो आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 27.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया क्लियर चलिए ये हो गए वैल्यूज ओके अब हमें क्या निकालना है हमें दूसरा केस निकालना था जब इस सपोर्ट को थोड़ा सा बदल दिया गया है क्लियर हो गया ओके काम करता हूं मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है ओके एक काम करता हूं नहीं मिटाता नहीं हूं इसको लगे रहने देता कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है इसी में हम थोड़ा सा वो बना देते हैं अब थोड़ा सा गैप लो कर दिया गया ये इतना गैप कितना है ये 0.1 mm है कितना 0.1 mm तो अब ये दीवार यहां पर आ गई
यानी ये जो आप गैप दिख रहे हैं दिस इज योर 0.1 mm, हो गया ओके। तो अब देखिएगा जरा, देखिए वापिस वही चीज है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है। अब इससे पहले देखिएगा ये सेकंड केस में, सेकंड केस में भी हमें थर्मल स्ट्रेस ब्रास का निकालना है, थर्मल स्ट्रेस एल्यूमिनियम का निकालना है, कब, जब इस क्या बोलते हैं एक राइट साइड के सपोर्ट को 0.1 mm सरका दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक छोटी सी चीज हमें करनी है ठीक है। फोर्स अब चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी अभी जो यानी कि इस पे पड़ रही होगी जो दीवार द्वारा दी जाती है ठीक है ओके। ये हो गया ओके, क्लियर हो गया ओके। अब ध्यान से देखिएगा वही चीज है, हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, तो इस बार कितनी लेंथ को बढ़ने से रोक दिया गया है, क्लियर हो गया। देखिए हमने कितनी लेंथ को बढ़ने के लिए बढ़ने से रोका था पिछले केस में, दिस प्लस दिस, ये जो लंबाई है देखिए ये क्या, ये डेल एल है आपके ब्रास में, ये है डेल एल टू, एक्चुअली में मैंने क्या लिखा हुआ है डेल एल वन प्लस डेल एल टू ओके। इतनी लंबाई को हमने बढ़ने से रोक दिया है, टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, क्लियर हो गया ओके। बट अब हमने अपने केस में सेकंड केस में 0.1 को अलो कर दिया है, याद रखिए एक बार वापस रिपीट करता हूं क्योंकि यही मेन चीज है। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि रॉड फिक्स था तो हम क्या लिखते हैं टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, अगर हम ठंडा कर रहे हैं इस केस में, हम ठंडा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिकुड़ेगा, क्लियर हो गया ओके। अगर सिकुड़ेगा तो क्या होगा आपका, हमने कितनी लेंथ को प्रिवेंट कर दिया, तो हमने इतनी लेंथ को घटने से प्रिवेंट कर दिया, कम होने से रोक दिया। बट अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है 0.1 को अलो कर दिया, यानी कि आपका जो एक सपोर्ट है उसे 0.1 mm सरका दिया है, क्लियर हो गया ओके। तो अब अगर सरका दिया है तो डेफिनेटली अंदर स्ट्रेस होने की वजह से वो एक्सपैंड करेगा, अपने टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से वो एक्सपैंड करेगा ओके। तो ये 0.1 जो है हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही निकालना है टोटल लेंथ प्रिवेंटेड। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, एक्चुअली में जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो तो इतनी थी ठीक है ओके। वो बढ़ सकता था, समझ में आ रहा है, इसकी जो टोटल लंबाई 500 mm प्लस 750 mm है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें निकालना होता है टोटल लेंथ प्रिवेंटेड ठीक है। आप जब भी हीट करते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपने कितनी लंबाई को बढ़ने से रोक दिया, बट अब यहां पर आपने खुद ही सपोर्ट को सरका दिया है 0.1 mm, तो अंदर जो पैदा होने वाला स्ट्रेस है वो इसको लंबा कर ही देगा ठीक है। तो अगर लंबा कर देगा ठीक है तो ये जो लेंथ है ये भी कवर हो जाएगी, यानी कि जो टोटल लेंथ प्रिवेंटेड में से ये क्या बोलते हैं इसको 0.1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, इतनी इतनी लंबाई को आपने बढ़ने से रोक दिया था ठीक है। बट आप इसको तो नहीं रोक पाए ना, क्योंकि हमने तो अलो कर दिया ये। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। हमें चाहिए टोटल लेंथ प्रिवेंटेड, इतनी जब पहले केस में आपने इतनी लंबाई को बढ़ने से या फिर घटने से रोक दिया था, क्योंकि अभी फिलहाल हम ठंडा कर रहे हैं ठीक है, हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, क्लियर हो गया। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इतनी लंबाई को हमने बढ़ने से रोक दिया ठीक है, बट 0.1 को अब अलो कर दिया है तो अब आपका रॉड बढ़ जाएगा, क्लियर हो गया, बढ़ जाएगा तो ये तो घटाना ही पड़ेगा ना भाई, हो गया क्लियर ओके। तो अब देखिए अगर हमें घटाना पड़ेगा तो दैट मीन्स यहां पर भी मेरे को 0.1 लिखना पड़ेगा ओके। तो यहां पर भी मुझे 0.1 लिखना पड़ेगा, माइनस 0.1, क्लियर हो गया ओके। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने यहां पे लिया है ये वाली जो चीजें हैं ये पूरी, ये 20 याद रखिएगा, ये पूरी चीज है, मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है ओके। तो ये आएगा कैसे, हाँ लिखे रहने दीजिए ना 0.325, इन दोनों को प्लस करके आया था, बीच में इसको माइनस कर लेते हैं 0.1 ओके। और ये जो वैल्यू थी ये तो सारी सेम ही है, ये कितनी थी 1.5873 × 10⁻⁵, क्लियर हो गया ओके। अब दोनों को माइनस कीजिए तो यहां पर जो एफ की वैल्यू आती है इस केस में आएगी, दिस इज कमिंग आउट टू बी कितनी आ रही 1.4175 न्यूटन, हो गया क्लियर हो गया ओके। अब इस केस में जब आपने 0.1 को अलो कर दिया है, यानी कि ठीक है एक्सपैंड कर दिया है, देखिए अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होने की वजह से एक्सपैंड हो जाएगा, क्लियर हो गया ओके। क्योंकि आपने 0.1 को अलो कर दिया तो ये 0.1 का डिस्टेंस कवर कर लेगा, और आपको हमेशा टोटल लेंथ प्रिवेंटेड ही लिखना होता है, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बढ़ गया ठीक है ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1.4175, तो ये जो घट ये आ जाता है दिस इज कमिंग आउट टू बी 28.35, इस केस में 0.28.35 ओके। और यही चीज जो है फोर्स भी सेम ही रहने वाली है, इस केस में 1.4175, तो याद रखिएगा। देखिए फोर्स की वैल्यू घट गई थी, पिछले केस में कुछ
20,000 पे थी, अब 14,000 पे आ गई है फोर्स की वैल्यू, दिख रहा है आपको, क्योंकि आपने ये अलो कर दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दिस इज कमिंग 18.9, कितना आ जाएगा, दिस इज 18.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।